सांवनेर तालुका में बड़ी ग्राम पंचायत पोटा चनकापुर मानी जाती है। यह ग्राम पंचायत कुल 17 सदस्यों की है। इस चुनाव में कांग्रेस राष्ट्रवादी समर्थित ग्राम विकास पैनल लड़ाया गया। चुनाव के नतीजे में कांग्रेस राष्ट्रवादी समर्थित पैनल के कुल 9 सदस्यों ने जीत हासिल की है। यहाँ पर मंत्री सुनील बाबू केदार का गढ़ कायम रहा, जिसमें वार्ड नंबर 1 में सबसे कम उम्र वाले उम्मीदवार पवन रमेश धुर्वे, वार्ड क्रमांक 2 से सिद्धार्थ महादेव मानीराव, विश्वजीत राजेंद्र सिंह, आरती रुपेश सावरकर, वार्ड क्रमांक 4 से राजेंद्र नागोराव इंगोले, रीता राम सेवक भर्ती, वार्ड क्रमांक 5 से श्रद्धा घनश्याम बेले, वार्ड क्रमांक 6 से रंजना मधुकर सौरभकर और सुशीला शंकर खापरे ने बहुमतों से जीत हासिल की है। उसी प्रकार भाजपा शिवसेना रिपाई समर्थित नगर विकास परिवर्तन आखाड़ी से कुल 7 सदस्यों ने बहुमतों से जीत हासिल की है। इसमें वार्ड क्रमांक 1 से सिद्धार्थ उकनराव बाकड़े, शीतल नितिन गोस्वामी, वार्ड क्रमांक 3 से अनिल जगत राम छानीकर, राजश्री राहुल राउत, वार्ड क्रमांक 4 से रंजना अशोक कांबड़े, वार्ड क्रमांक 5 से मनीषा दिनेश भट्ट, यशुकांत शंकर काकड़े ने जीत हासिल की है। उसी के साथ वार्ड नंबर 6 से वंचित बहुजन आघाड़ी के उमेश सिद्धार्थ दानके ने भारी मतों से जीत हासिल कर वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपना खाता खोला है। पोटा ग्राम पंचायत चुनाव रणनीति में कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस समर्थित ग्राम विकास आघाड़ी पैनल को जीत हासिल करने के लिए पत्रकार अरुण महाजन, भानीगांव के सरपंच रविन्द्र चिखले, राष्ट्रवादी के नेता अमर जैन, जिला पंचायत सदस्य प्रकाश खापरे, पंचायत समिति सभापति अरुणा ताई शिंदे, पंचायत समिति सदस्य राहुल तिवारी, पंचायत समिति सदस्य शेखर पदम, चिसोली के सरपंच पुरुषोत्तम चांदीकर, दिलीप ढगे, अशोक वंचाल, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता उदय महासन, प्रभाकर भूरकुंडे, दीपक भूरकुंडे एवं अन्य सभी कार्यकर्ताओं ने अधिक परिश्रम लिए। वार्ड नंबर 1 मध्ये सतत 10 वर्ष मी निवडणूक लढलो, तिथून जिंकून आलो आणि नंतर वार्ड नंबर 4 मध्ये मला निवडणूक लढवण्यात आली पार्टीकडून। त्यामध्ये मला भरपूरसा काही त्रास गेला, पण इथले जे लोक होते माझ्यासोबतचे, जे काय मित्रमंडळी आहे, राहुल भैया आहे, सोनल भैया आहे, इम्रान भैया आहे, कृष्णा भैया आहे, अजून इतर त्यांच्यासोबतचे जे लोक आहेत, त्यांनी अहोरात्र माझ्यासाठी मेहनत करून मला चांगल्या मतान भरघोस मतान निवडून आणलं। मी त्यांच्या मनापासून धन्यवाद करतो सर्वांचे, आणि याच्यापुढे मी त्यांच्या ज्या काही आशा असेल त्याच्यावर मी नियमित स्वरूपात त्यांच्या मार्गावर अथक प्रयत्न करून मी त्यांच्या प्रश्न निकाली काढण्याचा प्रयत्न करीन। ये कैसा है आज पूरे पोटा चंकापुर ग्राम पंचायत में पूरे यहाँ के मतदार लोग के मतदारों ने हमारे कांग्रेस पक्ष सुनील बाबू टीम के ऊपर विश्वास दिलाया, विश्वास जताया और हम 9 सीटें हम लोग कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीत कर आए। राज्यसभा सरपंच उपसरपंच बनने का तो हमारा आफ्टर ऑल बॉस सुनील बाबू है। सुनील बाबू जो फैसला देंगे सबको मंजूर रहेगा, उनके शब्दों का मान रखा जाएगा। BCN न्यूज के लिए खापर केडा से दिलीप गजबी की रिपोर्ट।